तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है, हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बांका पहुंचे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, हर एक ज़िले में जा रहे हैं तेजस्वी यादव अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उससे पहले तेजस्वी यादव का बिहार दौरा चल रहा है, कार्यकर्ता संवाद हर ज़िले में वो जा रहे हैं। और ऐसे में जब वो बांका पहुँचे हैं, नीतीश कुमार की चिंता सता रही है तेजस्वी यादव को। देखिए, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? फिलहाल तो इसकी सुगबुगाहट नहीं दिखती है, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं हैं, 4-5 अधिकारियों से घिरे हुए हैं, उन्हें एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। मतलब एक कमरे में ले जा करके वहीं से सारा उद्घाटन कराया जा रहा है, सभी कार्यक्रम जो हज़ार करोड़ रुपए के हैं उसका शिलान्यास उद्घाटन कराया जाता है, और नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? नीतीश कुमार की चिंता सता रही है तेजस्वी यादव को, क्या कह रहे थे ज़रा सुनिए। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है, जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। यहाँ केवल पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद, 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं, कौन करेगा ये प्रावधान? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% EWS का एज इट इज हम लोगों ने रखा, यानी टोटल 75%। उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए तमिलनाडु के तर्ज पे, लेकिन तब भी जो है अभी भी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ, यानी ये साफ तौर पे दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में अब जाति आधारित गणना, अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब को जवाब देना चाहिए, अब तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? हम ही ने प्रस्ताव दिया था बिहार विधानसभा में जब नेता विरोधी दल थे, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, सब पार्टी हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, मांग किए थे। अब मेरा सवाल बनता, क्या वो मांग की तो अब जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अब तो आपको कराना है, निर्णय लेना है, तो अब जाति आधारित गणना में क्या निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को कराएंगे पूरे देश भर में कि नहीं कराएंगे? ये भी सवाल जो है उठता है। तो आज बांका हुआ है, इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और एकदम आनंद फानन में हुआ, 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में, और 2 फेजेज में है, 13 और 20 को, और 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी हैं 4 सीटों पर,
तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे, और उसको लेकर के परसों का कार्यक्रम जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था कल जमुई करेंगे। जमुई के बाद क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है, तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है झारखंड में, पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, इस बार भी हम लोग जो है मिलकर के लड़ेंगे, मिलकर लड़के भाजपा को वहाँ परास्त करेंगे, एनडीए को परास्त करेंगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का है पूछ सकते हैं। आप एक 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 चीज आपको अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाए। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला आप बताओ? चाहे पार्लियामेंट में फक बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी, अभी जो बाहर आया क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे उस समय, सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए, इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या देख रहे हैं? या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया गया था, पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। आने वाले चुनाव में अगर मुकेश जी अप्रोच करते हैं नहीं नहीं अब तो हम तो कह रहे हैं वक्त ही समाप्त हो गया। जब समाप्ति हो गया तो किसी को क्या अप्रोच करेंगे? क्या ये मान लिया जाए आपकी धार्मिक अगर यात्रा पे कोई निकलता है इस गठबंधन में नीतीश जी मौन है तो क्या? नहीं, आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं ना, वो क्या है केंद्र मंत्री है, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहां, तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही वही लोग काम करते हैं, इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं। और आप बताइए कुछ उपलब्धि, 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा, यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या? तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। ये लोग ठेकेदार हैं क्या? पूछ जी सर, आप आपको एक बात पूछना है, क्या वो ठेकेदार हैं कौन? वो जा रहे जगाने, जनता ही उनको जगा देगी। झारखंड में सर जदयू और भाजपा साथ लड़ने वाली है, इसे कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं?
आप लोग बड़ा मुश्किल से उनको जगह मिला है। अब लड़े तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए क्या, हम लोग तो हमेशा से लड़ते हैं, हम लोग तो सरकार में झारखंड में होमवर्क तो हमारा इंटरनल है ना। अरे कोई भी पार्टी चाहती ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ले, अब हम ही लोग सब बता देंगे तो आप इन्वेस्टिगेट क्या कीजिए, इसीलिए जाना है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है बांका पहुंचकर, उनकी बुरी बात हमने आपको सुनवाई है। तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने आपको अवगत कराया है जो कि बांका जिले में हुई है, उन्हें क्या कुछ कहा है, सरकार पर भी निशान साधा है, गिरिराज संघ की यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।